जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर क्या कह रहे हैं, मैं हर भाषण में भी ये कहती हूँ कि राजनीति में जो अहम मुद्दे हैं वह हमारे देश के भविष्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं। तो महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी के 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने की का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हो। हमारे काफ़ी टिकट भी आपने देखा होगा, हमने युवाओं को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीज़ों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है लेकिन देश कमजोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हों। अगर चुनाव में जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, एक दिल की आशा है कि अगले चुनाव में सिर्फ सकारात्मक बातें हों। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं, और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करे, विकास की बात करे, कि चुनाव में के समय जो प्रचार हो सिर्फ इसी तरह का प्रचार हो। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से ये है कि जैसे मैंने कहा कि राजनीति का मकसद अब एक सकारात्मक मकसद बने। किस तरह से हम प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे पूरा फोकस हो। और जो बांटने की बात है, जो सांप्रदायिक बातें हैं, जातिवाद की बातें हैं, ये राजनीति से हटकर विकास की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक ये चुनौती है। दूसरी चुनौती तो जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको फिर से हम मजबूत कैसे करें, हम रोज़गार कैसे दिलवाएं। तमाम नौजवान जिनके पास रोज़गार नहीं है उनके लिए रोज़गार बनाना, उनका जो हुनर है उसको, उनको सक्षम बनाना इसमें, और ऐसे मौके पैदा करना जिससे उनको रोज़गार मिले, वो आगे बढ़ सके। तीसरी चुनौती, जैसे मैं कहती हूँ, मेरे लिए तो ये है कि महिलाओं की पूरी भागीदारी किस तरह से हो, सिर्फ राजनीति में नहीं लेकिन सरकार में, रोज़गार में और समाज में भी। महिला का जो स्तर है, जिस तरह से कई बार महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनको नकारा जाता है, वो दूर करना। और चौथी, ये मैं समझती हूँ कि जैसे आज कोरोना काल है तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो सेहत और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं इनको हम मजबूत बनाएं, इनका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। इसके लिए जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे हमने देखा है इस पूरे कोरोना काल में कि जिनने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया, लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाकर काम किया, उनको हमने क्या सपोर्ट दिया सरकार होते हुए। तो किस तरह से हम अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका फाउंडेशन गांव-गांव तक हम पहुंचा सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और पांचवी चुनौती मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी, एक तरह से बहुत ही बड़ी चुनौती ये है कि जो शिक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं इनको मजबूत करना। किस तरह से जो स्कूल गांव-गांव में हैं, जो चल नहीं रहे हैं, जहाँ अध्यापक नहीं आते या जहाँ तमाम समस्याएं हैं, उनको दूर करके अच्छे पाठशाला बनाना जिससे एक्चुअली शिक्षा हो और एक अच्छी स्तर की शिक्षा हो पाए, सब बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।